हाय फिर माय नेम इज़ बिस्टोर। आप लोग द मॉन्स्टर फिश वर्ल्ड। तो आज बात करने वाला है अभी ड्रैगन फिश। ड्रैगन फिश मतलब हर कोई बोलेगा ड्रैगन फिश क्या है क्या नहीं है। ड्रैगन फिश मतलब आपको मेनली एरोनास को समझाता है। अभी एरोनास में स्टॉक में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कौन सा एरोना है, क्या साइज़ का है, उन लोग को फीडिंग वगैरह वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग। चलो तो देख लेते हैं क्या एरोना स्टॉक में है। अभी एरोना में गोल्डन क्रॉस बैग, हाई बैग, सुपर हाई बैग एंड आपका एल्विनो एरोना, सुपर रेड एरोना, ये सब अवेलेबल है। चलो देख लेते अभी कौन सा साइज़ में अवेलेबल है। तो वीडियो में बने रहे आप प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड लाइक बटन बल दे। तो यहाँ पे देख सकते हो मतलब यहाँ पे तीन, यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस बैग है जो पीछे घूम गया, गोल्डन क्रॉस बैग था, ये सुपर हाई बैग है, ये भी आपका सुपर हाई बैग है। हाँ, इसका अप्रॉक्स साइज पकड़ के चलो, जो गोल्डन क्रॉस बैग है उसका साइज अप्रॉक्स 9 to 10 inch, सामने जो घूम रहा है ये आपका 10 inch का ही अप्रॉक्स पकड़ के चलो। जस्ट आपको बुक ये फार्म है सब विदाउट सर्टिफिकेट देके है, सब सर्टिफिकेट देके मतलब हर एक फिशेस का स्कैन वगैरह करके आपको वीडियो मिलेगा। कोई बोलेगा भैया कि हमको वीडियो दिखा के उठाओ, वो भी पॉसिबल है, वीडियो कॉल में उठाओ, स्कैन करो वीडियो कॉल में हो। तो ऐसा बहुत फ्रॉड होता है ना कि मछली दे दिया, स्कैन नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं है, जिसको मर्जी हो वीडियो कॉल करके उठा सकते हो। यहाँ पे और एक टैंक पे आ गया जहाँ पे एक सिल्वर है बहुत जाइंट साइज का, इसका अप्रोक्स साइज होगा 28 to 13 inch का प्लस होगा इसका साइज। ये एक डॉक्टर सर का फिश है तो खुद बैंगलोर चला गया था, तो बोला जाने का टाइम बिस्टू तुम इसको लेके जाओ, तुम्हारा बड़ा टैंक है। ये मछली खुद था 6 feet का टैंक, मगर ये जो टैंक है ये 8 feet का टैंक है। इसके सबका अजुल पिकॉक वास, सोवेलनोस कैट, पायरून शार्क वगैरह सब है। और भी देख लेते क्या क्या है स्टॉक में एरोनास में। ये और एक टैंक पे, यहाँ पे भी एक सिल्वर है, इसका भी अप्रोक्स साइज पकड़ के चलो 2 feet का है, 22 to 24 inch का अप्रोक्स है यहाँ पे। उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे, ये देख रहे हो एल्बिनो रेडाई एरोना है, एल्बिनो रेडाई जो एल्बिनो सिल्वर कहते हैं वो है। ये आपका इस साइड में है येलो टेल बंजार, इसका अप्रोक्स का कलर देख सकते हो पैटर्न वगैरह। तो लाइट के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई भी बोलता भाई ब्लैक आई, नहीं ब्लैक आई नहीं होता, रेड आई जो एल्बिनो जितना भी एरोना होता है ना सबका रेड आई होता है। जब छोटा रहता है तब उसका रेड कलर जो है ना बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है वो कलर ना थोड़ा सा लाइट हो जाता है, इसलिए आपको लगता है ब्लैक, बट ब्लैक है नहीं। अभी वीडियो में देखो ये ब्लैक लगता है ना, फुल ब्लैक होता, ये ब्लैक भी नहीं लग रहा है, फुल रेड भी नहीं लग रहा है। कोई भी एल्बिनो एरोना को ना ऐसा ब्लू वाला बैकग्राउंड दो मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए कोई भी फिश। तो यहाँ पे देख सकते हो ये गोल्डन ब्लू बेस एरोना है, इसका अप्रोक्स साइज है 9 to 10 inch। आपको वीडियो में क्वालिटी दिखाई दे रहा है नॉर्मल वाइट लाइट में, कैसा क्वालिटी, सीरियस क्वालिटी। तो यहाँ पे मेरा और एक टैंक पे आ गया, यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन एरोना है, तो इसको ग्रीन कहते हैं, गूगल पिक्चर में बहुत ग्रीन दिखाया गया बट उतना ग्रीन नहीं होता है, हल्का लाइटली ग्रीन होता है। ये देख सकते हो सुपर रेड एरोना है, इसका कलर अभी से देख सकते हो हल्का हल्का रेडिश रेडिश कलर आ रहा है। इसका अप्रोक्स साइज है 9 to 10 inch के अंदर है, ये क्यानो फार्म का है, थोड़ा पानी, अब सोच रहे पानी धुंधला क्यों, ऐसा दामी फिशेज ऐसा रखा हुआ, ऐसा बात नहीं है कि ये लोग छोटा टैंक में क्वान्टिटी ज़्यादा है, अरे वो वार्म आपका जो कुछ प्रॉन्स खाता है उसमें से क्या होता है पानी थोड़ा गंदा करता है, और कोई बात नहीं, फिशेज ऑल ओके है। चलो देखिए आज एरोना के स्टॉक में क्या क्या है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, अभी थोड़ा स्टॉक क्लियर ही है, उसके बाद अभी ठंडा भी विंटर भी आ रहा है तो इसलिए ज़्यादा कुछ मंगाने का सोच भी नहीं रहा है। अभी जो स्टॉक है इसमें से काम करना है, थोड़ा बहुत खत्म होगा तो नया कुछ मंगाने का सोचेगा। अभी ज़्यादा मॉन्स्टर वैरायटी में ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी थोड़ा स्टॉकों भी क्लियर है तभी थोड़ा मंगाने का सोच रहा है, 2-3 दिन में कुछ फिशेज आने वाला है तो देखते हैं क्या क्या आने वाला। प्लीज़ ये वीडियो पर जरूर देखना है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।